आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जिले भर में अवैध मदिरा निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय एवं चौर्य चयन के विरुद्ध विगत माह से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला कलेक्टर अनुग्रहा पी के आदेश एवं सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के निर्देशानुसार जिले के समस्त आबकारी दल एवं खरगोन लाइन से प्राप्त पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से 20 नवंबर को अल सुबह से ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध मदिरा निर्माण पर कार्रवाई की। देखिए बड़वाह से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। आबकारी विभाग ने 100 लीटर हथभट्टी शराब के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिला आबकारी दल ने संयुक्त कार्रवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से की शराब जब्त। खरगोन जिले के बड़वा के समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विगत कई सालों से भारी मात्रा में अवैध तरीके से शराब निर्माण किया जा रहा है, जहां शराब निर्माणकर्ता एक विक्रेताओं के विरुद्ध व्रत बड़वा के संवेदनशील ग्राम मठ पलासिया, रावत पलासिया के घने जंगलों में एवं कड़की बारूल, जगतपुरा बारूल, खारचा में कार्रवाई की गई, जहां व्रत प्रभारी मुकेश गौर, आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(च) के तहत 8 प्रकरण दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई में अलग अलग स्थानों से 100 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त कर करीब 8000 किलोग्राम महुआ लहान मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। जब्त मदिरा, महुआ लहान और मदिरा बनाए जाने के उपयोग में आने वाली सामग्री का बाजारी मूल्य लगभग 4,50,000 रुपए बताया जा रहा है। उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी बसंत कुमार भीटे एवं पवन टीकेकर, आबकारी उपनिरीक्षक अजय पाल सिंह भदौरिया, मोहनलाल भायर, महेश कुमार मालवी, ओम प्रकाश मालवी, देवराज नगीना सहित जिले के समस्त आबकारी मुख्य आरक्षक, आबकारी आरक्षक एवं जिला पुलिस बल का सराहनीय योगदान रहा। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट।